ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से बड़ी सभाओं में शामिल नहीं होने को कहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में सभी सिनेमाघरों तथा मल्टीप्लेक्स में 31 मार्च तक सिनेमा का प्रदर्शन बंद रहेगा। वहीं विधानसभा परिसर में बजट सत्र की शेष अवधि में आम नागरिकों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया। रायगढ़ जिले में बीती रात हुए सड़क हादसे में 3 महिला सहित 4 लोगों की मौत। और प्रदेश के उत्तरी और मध्य भाग में आगामी 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। अब समाचार विस्तार से। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के अब तक 107 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें 17 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इटली के 16 पर्यटकों के अलावा कनाडा का एक नागरिक संक्रमित पाया गया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के एहतियाती उपायों के पालन का परामर्श दिया है। लोगों से बड़ी सभाओं में शामिल न होने को कहा गया है। खांसी और बुखार होने की स्थिति में अन्य लोगों से दूर रहने की सलाह दी गई है। लोगों को हाथ अच्छी तरह साफ किए बिना आंखें, नाक या चेहरा नहीं छूना चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में किसी भी जानकारी या सहयोग के लिए भारत सरकार ने 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इसका नंबर है 0112397804। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोज शाम को बुलेटिन जारी किया जा रहा है। इसे विभाग की वेबसाइट cghealth.nic.in पर प्रतिदिन देखा जा सकता है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 104 पर 24 घंटे जानकारी ली जा सकती है। कार्यालयीन समय पर राज्य सर्विलांस इकाई के हेल्पलाइन फोन नंबर 0771-2235091 पर भी जानकारी ली जा सकती है। इस बीच राज्य शासन ने नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य में संचालित सभी सिनेमाघरों तथा मल्टीप्लेक्स में 31 मार्च तक सिनेमा के प्रदर्शन को बंद रखने का निर्णय लिया है। वहीं राज्य विधानसभा सचिवालय ने एक आदेश जारी कर बजट सत्र की शेष अवधि में विधानसभा परिसर में आम नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए अनेक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। रायगढ़ जिले में कलेक्टर यशवंत कुमार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए जिले में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन, रैली, सभा और जुलूस को 5 अप्रैल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इस बीच खबर मिली है कि चीन और अन्य देशों की यात्रा करके रायगढ़ जिले में लौटे 12 लोगों को चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। कलेक्टर के अनुसार ये सभी लोग अभी स्वस्थ हैं। वहीं कबीरधाम जिले में भी जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों से विशेष पूछताछ की जा रही है। खासकर दूसरे प्रांतों से भ्रमण कर आने वाले सर्दी, खांसी, जुकाम और अन्य रोगों से ग्रसित मरीजों से पर्ची भरवाकर उनके भ्रमण, धार्मिक यात्रा या अन्य टूर के बारे में जानकारी ली जा रही है। वहीं बस्तर संभाग में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हैदराबाद मार्ग में संचालित सभी बसों में प्रवेश से पूर्व यात्रियों के हाथों की धुलाई साबुन से कराई जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तंबोली ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को इस मार्ग में संचालित सभी बसों में साबुन, सैनिटाइजर, स्टरलिन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बस अड्डे में भी हाथ धुलाई के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम घोषित किए जाने के बाद रायपुर के अनुविभागीय अधिकारी ने आज 6 टीम गठित कर शहर के अनेक मेडिकल स्टोर्स में मास्क और हैंड सैनिटाइजर के स्टॉक में उपलब्धता और उनके मूल्य की जांच की। उधर राजनांदगांव जिले में भी खाद्य और औषधीय विभाग की संयुक्त टीम ने दवा दुकान में छापा मारा। इस दौरान दवाओं की गुणवत्ता और कालावधि की भी जांच की गई। इस बीच ड्रग विभाग की टीम ने आज बालोद जिले के विभिन्न मेडिकल स्टोर में सैनिटाइजर और मास्क की उपलब्धता की जानकारी लेने के लिए ही इस बात की भी जांच की कि कहीं इन्हें अधिक दाम पर तो नहीं बेचा जा रहा। रेलवे ने कोविड-19 के खतरे को देखते हुए वातानुकूलित डिब्बों में ऊनी कंबल उपलब्ध नहीं कराने का फैसला किया है। एक बयान में कहा गया है कि ऐसे कंबल उन्हीं यात्रियों को दिए जाएंगे जो इनकी मांग करेंगे। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यात्रियों को तकिए, उनके कवर तथा बेडशीट उपलब्ध कराई जाती रहेगी।
वायरस से बचाव के उपाय के रूप में वातानुकूलित डिब्बों से पर्दे भी हटा दिए जाएंगे। यह व्यवस्था एक महीने के लिए अथवा अगली जानकारी तक के लिए है। वहीं रेल प्रशासन ने कोरोना के प्रसार और प्रभाव को रोकने के लिए स्टेशन परिसरों, रेलवे कॉलोनियों और रेलवे अस्पतालों में जागरूकता के लिए बैनर पोस्टर लगाए हैं। साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। कार्य के दौरान यात्रियों के संपर्क में लगातार रहने वाले कर्मचारियों को मास्क और इस वायरस से रोकथाम के अन्य सामान उपलब्ध कराए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। श्रोताओं, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने फेसबुक अकाउंट से हमें लाइक करने के लिए सर्च करें छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन एआईआर और रोज पढ़ें प्रादेशिक समाचार फेसबुक पर भी। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में राम वनगमन पथ के चिन्हांकित क्षेत्रों को विकसित किए जाने के कार्य की शुरुआत हो गई है। इस सिलसिले में मुख्य सचिव आरपी मंडल ने बलौदाबाजार भाटापारा, महासमुंद और जांजगीर चांपा जिले में स्थित स्थलों का कल जायजा लिया। साथ ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को इन स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने आज कोरिया जिले के भरतपुर विकासखंड में स्थित सीतामढ़ी हर चौका का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस स्थान को राम वनगमन मार्ग के तहत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आज पुलिस ने दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक माओवादी को नीलावाया क्षेत्र से पकड़ा गया है। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं दूसरे माओवादी को मुनगा के जंगलों से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों माओवादियों पर हत्या और आईईडी लगाने जैसे अपराध दर्ज हैं। इस बीच सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर मिली है। बताया जाता है कि किश्ताराम के पालोड़ी के पास माओवादियों ने अचानक हमला कर दिया। जवाब में सुरक्षा बलों द्वारा भी फायरिंग की गई। बाद में माओवादी घने जंगलों की आड़ लेकर भाग गए। मौके से यूबीजीएल सेल सहित अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। उधर नारायणपुर जिले में पुलिस ने माओवादियों द्वारा लगाए गए एक पाइप बम बरामद किया है। नारायणपुर ओरछा मार्ग पर बटुनपारा के पास लगे इस पाइप बम को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। इस बीच बस्तर जिले के मारडूम इलाके में कल हुए बारूदी सुरंग विस्फोट में शहीद जवान उपेन्द्र साहू को आज सुबह जगदलपुर पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद जगदलपुर के मुक्तिधाम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। रायगढ़ जिले में बीती रात हुए सड़क हादसे में 3 महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 25 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बाकारूमा के ग्रामीण देवी दर्शन के लिए धरमजयगढ़ के अंबे टिकरा गए थे। वापस लौटते समय रायगढ़ रोड के चरखापारा के पास उनकी चारपहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में 3 महिला और 1 बच्चे की मौत हो गई, वहीं वाहन में सवार 25 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को पत्थलगांव के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। यह दिवस हर वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों और आवश्यकताओं के प्रति विश्व में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान करना और बाजार में उनके शोषण को रोकना है। इस वर्ष का विषय है सदैव सक्षम उपभोक्ता। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के उत्तरी और मध्य भाग में आगामी 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तरी छत्तीसगढ़ में बने हुए सिस्टम के कारण प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। धमतरी जिले में आज दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, साथ ही ओले भी गिरे। वहीं राजधानी रायपुर में दिनभर बादल छाए रहे। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज अपने धमतरी प्रवास के दौरान मरादेव आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत भी की। महासमुंद जिले में कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि की अफवाह सोशल मीडिया में वायरल करने वाले आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसी जिले की एक अन्य घटना में फर्जी दस्तावेज बनाकर लोन लेने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा कल 16 मार्च को पुराने पुलिस मुख्यालय परिसर रायपुर में दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से बड़ी सभाओं में शामिल नहीं होने को कहा है।
कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में सभी सिनेमाघरों तथा मल्टीप्लेक्स में 31 मार्च तक सिनेमा का प्रदर्शन बंद रहेगा। वहीं विधानसभा परिसर में बजट सत्र की शेष अवधि में आम नागरिकों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया। रायगढ़ जिले में बीती रात हुए सड़क हादसे में 3 महिला सहित 4 लोगों की मौत और प्रदेश के उत्तरी और मध्य भाग में आगामी 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।